के आ जाते हैं mm -hmm. क्या हुआ है okay. क्या मसला है तुम्हारे mm -hmm. साथ कुछ भी होता है तुम तो एक बिल आइसोलेट क्यों जाती हो निकलो बात करो सो आई दैट प्रोसेस नॉट अकेले बैठ जाती हूँ mm -hmm. लेकिन फिर रेडी हो जाती है वक्त लगता है गौहर लिव्स इन माई बिल्डिंग गौहर रशीद

कि I आपकी जो जनरेशन है ना वन आई सी ये अराउंड ट्वेंटी टू ट्वेंटी की जो uh, करीब लड़कियाँ रिलेशनशिप्स uh, इतनी फिकल हो गई हैं इतनी जल्दी ख़त्म होती हैं इतनी जल्दी दुख भी होता है रिकवर भी कर जाते हैं एंड आई एम नॉट जजिंग एट आई फील सोसाइटी हमारा इन्वामेंट हमारा एक्सपोजर भी ऐसा हो गया है कुछ शायद पेरेंट्स ने भी हाथ हल्का रखना शुरू कर दिया है आई डोंट नो देयर मल्टीपल रीज़न्स फॉर दैट सो इसलिए मैं समझना चाह रही हूँ कि अब लव कैसे इवॉल्व हो रहा है उसकी डेफिनेशन क्या है अगैन आप जेन जी जनरलाइज नहीं कर सकते uh, लेकिन आई थिंक वाई रिलेशनशिप्स ऐसे हैं न्यूअर जनरेशन के बिकॉज अस आई बिलीव के जो भी अनकंडीशनल लव पे यकीन रखता है ना दे प्रॉली डोंट लव दम सेल्व न Interesting. Um, I never thought about. I'm that. not judging anyone, but there's definitely somewhere something that they're missing, that they're trying to fill with somebody else, you know. But unconditional love तो आप किसी को दे रहे हैं ना? किसी को दे रहे? Yeah, आप बोल रही हैं कि अगर आप expect कर रहे हैं। But it's a two-way street. Mm -hmm. You toh, know? So unconditional तो वो ये है कि कि बस आप दोनों मैं आपको प्यार हूँ। हाँ, abuse नहीं करें but love is unconditional for you. कि आप जो भी करें मैं आपको प्यार दे रही हूँ, so I think अगर आपका किसी के साथ रिलेशनशिप है hmm. और वो आपको इतना अच्छा ट्रीट नहीं करता और आप उनको फिर भी अनकंडीशनली प्यार कर रही हैं दैट मीन्स प्रॉब्ली यू डोंट फील लव्ड एन ऑफ यू फील नॉट वर्दी ऑफ लव दिस समथिंग मिसिंग इन यू दैट यू ट्राइन ऑफ फिल विद दिस पर्सन सो दैट डेफिनेटली मीन्स दैट यू नीड टू वर्क ऑन योर सेल्फ क्योंकि इट्स नॉट पॉसिबल फॉर एनी वन टू जस्ट लव विदाउट गेटिंग एनी थिंग इन रिटर्न फिर तो आप खाली हो जाएंगे एंड देन इवेंचुअली यू विल फील डिप्रेसड ट्रू एंड यू विल फील एंग्शियस आई थिंक दैट इफ समथिंग हैज बीन मिसिंग इन योर लाइफ इफ यू डोंट फील दैट यू आर वर्थी ऑफ लव ओनली देन यू विल सेटल फॉर मीडियोकर काइंड ऑफ लव ओके दैट्स व्हाट आई अनकंडीशनल लव नहीं है नहीं होना चाहिए नहीं होना no. चाहिए ये okay. तो बहुत अनफेयर बात है हम्म mm हम्म -hmm. mm -hmm.

ये हिपोक्रेट किस्म के रिव्यूअर्स एंड ऑडियंसेज जो कहते हैं कि हमें हानिया के साथ सेल्फी तो खिंचवानी है और इंटरव्यू भी चाहिए और ड्रामा भी देखना है लेकिन हानिया जो बोलेगी हम उसे क्रिटिसाइज़ करेंगे जो पोस्ट करेगी उस पर कुछ ना कुछ कमेंट जरूर करेंगी कभी आता है ये ऐसा ख्याल कि यार ये, ये क्या है आप लोग नहीं मैंने पता नहीं मैं पहली बार देखती नहीं हूँ अगर कोई चीज़ बहुत ऑफेंसिव होती है तो मुझ तक पहुँच जाती है और कभी कभी ऐसा होता है जो मैं देखती हूँ वो बुरा होता है <laughs> हाँ होता है ना कि नया ड्रामा है इसका पहला एपिसोड देखो <laughs> क्या बोल रहे हैं लोग वो oh. उसमें कुछ कीड़ा निकाल लिया होता है सो बट आई थिंक डू इट फॉर पीपल डू इट बिकॉज दे वॉन्ट टू फील सुपीरियर टू द आर्टिस्ट यू नो आई मेट सो मेनी पीपल दे एक्ट एज if कि शायद मैं उनको कुछ कहूंगी यू नो दे आई एम सुपीरियर वो यू नो वेर हैज आई एम जी आपको क्या चाहिए कुछ खाएंगे पियएंगे आप इधर तक आए हैं तो यू नो आई थिंक एवरी वन हैज देर ओन थिंग एंड देर ओन स्ट्रगल्स एंड सम पीपल ऑल्सो हैवेड पॉइंट समटाइम्स यू ऑल्सो हैव नॉट डिलीवर्ड हाउ दे वुड लाइक इट सो आई थिंक कोई मेरी एक खास फीलिंग नहीं एवरी वन इज डूइंग देयर जॉब सो दिस पर्सन मेट मी एट वन पॉइंट एट एन इवेंट एंड सेट वी हर दैट सम थिंग इज रॉन्ग एंड आई सेड आई एम नॉट कन अ कम्प्लेन यू से वट एवर यू वॉन्ट अ से इट्स योर प्लेटफॉर्म योर चॉइस वट एवर यू वॉन्ट अ से बट वैन सो मेनी पीपल आर लुकिंग एट यू ना चूज योर वर्ड्स वाइजली डैट्स इट डोंट हर्ट फीलिंग्स यू वॉन्ट टू से समथिंग अबाउट माई क्राफ्ट श्योर यू वॉन्ट टू इवन से समथिंग अबाउट माई पर्सनल लाइफ चॉइसज से एट बट सेट इन अ रिस्पेक्टफुल वे बिकॉज वेन यू हैव अ प्लेटफॉर्म जब आपको एक प्लेटफॉर्म है ना जब इतने लोग आपको देख रहे हैं बहुत लोग इसलिए देख रहे थे दे लुक अप टू यू यू डोंट नेली नीड टू बी एन एक्टर और एन सॉर्ट ऑफ एन आर्टिस्ट और फेमस पर्सनैलिटी टू हैव पीपल लुक अप टू यू पीपल गेट आई हैव गॉटन इंस्पायर्ड बाई सो मैनी पीपल हु हु आर हुव वेरी लेस फॉलोअर्स दे आर ब्लॉगर्स और मेकअप आर्टिस्ट दे से सच नाइस प्रोफाउंड थिंग्स कि मैं भी आई देव मूवड मी और मैं उनकी yeah. बातें सुनती थी सो यू डोंट नीड टू बी सो दैट्स द थिंग मैंने उनको यही कहा था कि आप जो भी कहें रिस्पेक्ट के दायरे में कहें, जो आप लैंग्वेज यूज करेंगे ना, जो लोग लोग वो language use करने लग जाएंगे। कि आपको इतनी इज्जत दी है, hmm. एक platform दी है, बैठ के आपकी बात सुन रहे हैं, hmm. तो आप उस platform को ही respect दे दो। hmm. so, just that. अगर इसी को आप ऑडियंस पे लेके जाती है इस hypocrisy को, hmm. उस पे क्या कहेंगी uh... उनकी तरफ से आपको लगता है जो भी रिव्यू करें उनके लिए ये इसलिए देर क्लोज टू द इंडस्ट्रीटर नहीं पता ऑडियंस के नहीं है एक मिलियन या कितने लाख फॉलोअर उनको नहीं पता जब पचास हजार लोग पीछे पड़ते हैं तो क्या होता है दे डोट अंडरस्टैंड वट ब्लॉगर्स डू

उसको वक्त लगता है mm. और रिसेंटली अ फ्रेंड ऑफ माइंड हुज न्यू इन द इंडस्ट्री कॉल मी एंड सेड आई वांटेड एडवाइस बिकॉज यू बिन थ्रू दिस सो टेल मी मेरे बारे में लोग ऐसे आर्टिकल्स लिख रहे हैं मैं क्या करूं हाउ डू यू रिस्पॉन्ड एंड आई सेड मैंने उसको बड़ी स्पॉन्टेनियस और वियर्ड वग्जाम्पल दी मैंने कहा मेरी बात सुनो यू आर न्यू इन द इंडस्ट्री राइट आपके फ्रेंड्स ग्रुप में जब कोई नया बंदा आता है आप सबसे पहले तो उसके कीड़ा निकालता है huh. ठीक है आप कहते हैं ये, ये ये, क्यों मेरे दोस्त के साथ ये क्यों मेरे huh. दोस्त के घर यहाँ तो मैं आती हूँ मेरी huh. जगह पे क्यों बैठ गया यू नो यू डू दैट सो हाउ डू यू एक्सपेक्ट दैट अ न्यू पर्सन वर्किंग इन टू दिस इंडस्ट्री एंड दे वॉन्ट दे यू थिंक द ऑडियंस विल चूज यू ओवर दे ओल्ड एक्टर्स दे Yeah, Why uh, would they do that? that yeah. You're new. So 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 uh -huh. it it takes takes a lot of of time time. to earn that kind of respect uh -huh. and love from the audiences. So, I think हाँ कभी कभी brutal हो जाते हैं लोग um, brutality की तरफ नहीं जाना चाहिए of course अगर इतनी empathy है आप में उस तरह yeah. सोचते हैं लेकिन अगर नहीं भी है तो मैं यही सोचती हूँ कि

জাৱিয়াৰ আদ আমি